नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति की मंजूरी मिल गई है। योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के बाद अब इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। योजना प्राधिकृत समिति ने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के जिस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है, इसके तहत ITI इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक वोकेशनल एवं अन्य तकनीकी योग्यता रखने वाले बेरोजगारों को 5,000 रुपये वार्षिक बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि 1 साल के लिए मिलेगी। बता दें कि पिछले वर्ष जून माह में भी इस योजना का प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया था, लेकिन कोरोना के कारण उस समय फाइल लौटा दी गई। उस समय मैट्रिक उत्तीर्ण बेरोजगारों को 2,000 तथा स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को 5,000 रुपये 2 साल तक भत्ता देने का प्रस्ताव था। सख्ती बरतने के मूड में राज्य, 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,488 नए मामले। भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,488 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,79,979 हो गई। 113 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,56,938 हो गई। देश में सक्रिय मामलों की कुल अब संख्या 1,59,590 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,07,63,451 है। वहीं पर झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण झारखंड में दोबारा संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। लोहरदगा, गुमला और देवघर में पिछले 10 दिनों में संक्रमितों की संख्या तेजी से इजाफा हुआ है। देवघर में 15 फरवरी को कुल 7 संक्रमित थे, जो 25 फरवरी को बढ़कर 18 हो गए। गुमला में संक्रमितों की संख्या 45% की दर से बढ़ी है। यहां 2 हफ्ते में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18 से 26 हो गई। वहीं लोहरदगा में संक्रमितों की संख्या में 37% की दर से बढ़ोतरी हुई और संक्रमितों की संख्या 19 से बढ़कर 25 हो गई। झारखंड के वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आने की भविष्यवाणी की है और वजह भी बताई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कुछ दिन बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की भविष्यवाणी की, साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की वजह भी बताई है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और केरल समेत 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। इस वजह से अब पेट्रोल उत्पादों की कीमत में 2-3 महीने के लिए कमी आ जाएगी। डॉक्टर उरांव पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ शनिवार को राजभवन के समक्ष कांग्रेस के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नौकरी से हटाए गए 42 दरोगा को 6 सप्ताह में बहाल करने का झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश। हाईकोर्ट ने नियुक्ति के बाद 42 दरोगा की सेवा समाप्त करने के मामले में अवमान्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी बर्खास्त दरोगा की सेवा बहाल करने का सरकार को अंतिम मौका दिया है। जस्टिस HC मिश्री की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को 6 सप्ताह में सभी की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार ने अदालत को बताया कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निकाले गए सभी दरोगा को बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की SLP को खारिज कर दिया। ऐसे में राज्य सरकार को अब जल्द से जल्द नियुक्ति करनी चाहिए। खबर है झारखंड के रांची से। रांची में रामकृष्ण मिशन TV सेंटोरियम में 50 बेड के IPD वार्ड का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। रांची के तुपुदना स्थित रामकृष्ण मिशन TV सेंटोरियम में 50 बेड का IPD वार्ड होगा। निर्माण के बाद अब इसकी शुरुआत की तैयारी भी हो चुकी है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 50 बेड के IPD वार्ड का उद्घाटन किया। RBNL के वित्तीय सहायता से यह 50 बेड का IPD वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड के साथ SCKWUP का सोलर पावर प्लांट का भी शुभारंभ किया। इस अस्पताल में 80% से अधिक ST/SC पिछड़ा जाति के गरीब परिवारों का इलाज होगा। झारखंड के स्कूलों में प्रार्थना और खेल पर सरकार ने लगाई रोक। 1 मार्च से खुल रहे स्कूलों में प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेल गतिविधियां नहीं हो सकेगी। स्कूल खोलने से पहले सभी स्कूलों की साफ सफाई सुनिश्चित कराई जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सरकारी स्कूलों को खोलने को लेकर सभी क्षेत्र शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में 5 डिग्री तक बढ़ गया तापमान।
पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष झारखंड के विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले साल धनबाद का अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री था, वहीं इस साल यह बढ़कर 36 से 37 डिग्री तक पहुंच गया। संथाल और कोयलांचल समेत पूरे झारखंड की लगभग यही स्थिति है। संथाल के सभी जिलों में तापमान 33 से 35 डिग्री तक पहुंच गया। गोड्डा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा, वहीं गिरिडीह में 35, दुमका में 34 और जामताड़ा में 34 डिग्री तापमान रहा। अगले 3 दिनों में यह और बढ़ सकता है। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री पहुंचा। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। खबर है झारखंड के चतरा से। चतरा पुलिस ने डोडा से भरा ट्रक किया जब्त। 55 बोरियों में सीलबंद मिला 1059 किलो डोडा। चतरा जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रतापपुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टावर वाले लोहे के एंगल के साथ तस्करी के लिए ले जा रहे डोडा की खेप को पुलिस ने बरामद किया है। डोडा प्लास्टिक की 55 बोरियों में सीलबंद कर रखा हुआ था। इसका वजन 1059 किलोग्राम है। हालांकि पुलिस के आने से पहले ही तस्कर व चालक 9211 हो गए। खबर है झारखंड के लातेहार से। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने आगे आए लातेहार के डीसी, पत्नी भी दे रही है साथ। उपायुक्त अबू इमरान पत्नी जबीन फतिमा के साथ उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय पहुंचे। उपायुक्त ने अपनी पत्नी के साथ इंटर व मैट्रिक के बच्चों की क्लास लिया एवं उन्हें जीवन में सफलता के मूल मंत्र भी दिए। उपायुक्त एवं उनकी पत्नी जबीन फतिमा ने प्लस टू उच्च विद्यालय नवागढ़ में बच्चों का क्लास लिया और उसका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान सवालों का सही जवाब देने वाले बच्चों को कलम एवं डायरी देकर पुरस्कृत किया। उपायुक्त ने बच्चों से पढ़ाई या रोजगार में कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनने की अपील की। उपायुक्त ने जीवन में पढ़ाई के महत्व एवं कलम की ताकत के बारे में बताया। इंटर एवं मैट्रिक के बच्चों से उन्होंने बताया कि पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए करें। किसी भी विषय की जानकारी जीवन को नया आयाम देती है। हाई स्कूल में वरीयतम स्नातक उत्तर प्रशिक्षित शिक्षक बनेंगे हेडमास्टर। सरकार ने बनाए नए नियम। झारखंड के हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने पर वरीयतम स्नातक उत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को ही अब प्रधानाध्यापक का प्रभार मिलेगा। विशेष परिस्थिति में ही अन्य को प्रभार दिया जा सकेगा। प्रधानाध्यापक का प्रभार उन शिक्षकों को ही दिया जाएगा जिनके पास न्यूनतम 5 साल कार्य करने का अनुभव हो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहली बार हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने पर प्रभार में दूसरे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक बनाने के लिए मापदंड तय किया है। इससे पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाता था जिससे अक्सर विवाद होता था। अब इस पर रोक लगेगी, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। इस साल कुल 4 बार ग्रहण लगेगा। ज्योतिष गणना के मुताबिक वर्ष 2021 में 2 बार सूर्य ग्रहण और 2 बार चंद्र ग्रहण लग रहा है। पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। विद्वानों की राय में इस साल लग रहे कुल 4 ग्रहण में से 3 को भारत में देखा जा सकेगा। 10 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा या आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। दूसरा या इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगेगा। यह दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। भारत में यह दृश्य नहीं होगा। यह अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जीवन को प्रभावित करेगा। इन ग्रहणों से देश की दशा दिशा भी बदलेगी। मानव जीवन पर इन ग्रहणों को खास प्रभाव परिलक्षित होगा। झारखंड में आयुष दवाओं का करोड़ों का कारोबार, लेकिन गुणवत्ता जांच के लिए कोई लैब नहीं। नियमानुसार राज्य में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए लैब होना जरूरी है, क्योंकि जब भी सरकार या स्वास्थ्य विभाग को किसी दवा की खरीद करने की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में उसकी गुणवत्ता की जाँच का प्रमाण जारी होता है। लेकिन जब राज्य में कोई ऐसा जाँच लेबोरेटरी ही नहीं है तो फिर दवा खरीद से पहले सैंपल को दूसरे राज्यों को भेजा जाता है ताकि यह पता चल सके कि जो दवा सरकार जनहित के लिए खरीद रही है उसकी गुणवत्ता क्या है। दूसरे राज्यों के लैब में भेजने और वहां से रिपोर्ट आने में लंबा वक्त लग जाता है। वहीं दूसरी ओर जनता जो दवाएं बाजार से खरीद रही है उसमें वास्तव में वह तत्व या सार मिला हुआ है या नहीं, इसकी जाँच भी नहीं हो पाती है।
झारखंड में करोड़ों रुपए का व्यापार देसी चिकित्सा पद्धति की दवाओं का है, पर बाजार में बिक रही दवाओं की असली नकली जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य गठन के 20 साल में झारखंड की अब तक की किसी भी सरकार ने आयुष दवाओं की जांच के लिए स्टेट स्तर का लैब बनाने की जरूरत तक नहीं समझी। और पूर्व की रघुवर दास की नेतृत्व वाली सरकार ने डोरंडा में बन रहे स्टेट लेवल आयुष लैब भवन को लैब न बनाकर स्वास्थ्य कॉल सेंटर 104 और 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर बना दिया। नतीजा यह रहा कि राज्य की आयुष मेडिसिन टेस्ट लैब की योजनाएं फाइलों में ही दबी की दबी रह गई। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।